नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। हांसी में आप सब जानते हैं, राम सिंह कॉलोनी में आज से ठीक 6 दिन पहले रात के समय एक आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को पीछे से वार करके गोली मारी गई और उसकी मौके पर काफ़ी खून बहा और जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं बचे। पूरा परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, राम सिंह कॉलोनी से वो बिलोंग करते थे और इस वक्त पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हांसी के जो SP सर हैं उनसे भी मिलने की कोशिश की है इन्होंने और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आश्वासन मिला है वो बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ हुआ था, कुछ अभी पता चल पाया पुलिस के थ्रू या परिवार के थ्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना तो पुलिस ने अभी तक बताया है। SP महोदय से मिले थे हम, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 रोज या 1 सप्ताह ज़्यादा ज़्यादा हम मुकदमे को ट्रेस कर दें। सर, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों में या महीनों में कोई ऐसी दुश्मनी पुरानी या किसी से कोई भेदभाव या कुछ ऐसा मतभेद चल रहा हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि ऐसा हुआ है? नहीं, परिवार को किसी को नहीं पता, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बताता, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उस दिन जब मैं यहाँ पर था, जब फायर हुआ था, मैं यहाँ पर पहुँचा था तो काफ़ी कुछ चेक किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी चेक की जा रही थी, डिटेल्स भी निकाली जा रही थी, कोई सबूत हाथ लग पाया पुलिस? नहीं, SP ने यह कहा है कि हमें जो कॉल डिटेल निकाल रखी है वो 2-3 रोज बाद मिलेगी, उसके बाद बता सकते हैं। और आज जब SP सर से मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है 7 रोज बाद में हम इसको क्लियर करते हैं। 7 दिन के बाद? 7 दिन के बाद। तो कम से कम 7 दिन का समय, कम से कम तो 90% तो उन्होंने कहा है कि हम पहुंच चुके हैं, 10% है 2-3 रोज या 1 सप्ताह ज़्यादा हम इसको ट्रेस कर देंगे। ऋतुराज के परिवार की अगर मैं बात करूं तो कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में है 5 लोग। 5 लोग हैं जी, तो पूरे डिपेंडेंट उन्हीं पर थे? उन्हीं पर थे, माँ नेत्रहीन है, पापा को कैंसर है, बेटा है वो छोटा है, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, बाकी घर में पूरा करने वाला वही था। सुनने में ऐसा आता है कि वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे, आर्मी से 1-1.5 साल पहले रिटायर होके और SPO जिंद लग गया था। अच्छा। लेकिन पापा की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने उससे रिजाइन दे दिया और वो घर पे ही होकर माँ बाप की सेवा करने लगे। तो एक ऐसा शख्स जो अपने माँ बाप के लिए अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर, अपनी नौकरी को छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करता है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनकी मदर हैं वो देख नहीं सकते हैं, नेत्रहीन हैं, और वहाँ पर आप सोचिए कैसा माहौल पैदा हो गया होगा घर में। अगर मैं बात करूँ परिवार वालों की तो अभी क्या सिचुएशन है माँ बाप की? माँ बाप की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, गुड़गांव इलाज चल रहा है पापा का और मम्मी बोलने में भी असमर्थ है। तो अभी इस वक्त वो यहाँ पर हैं? यहाँ पे नहीं है, वो हमारे वहाँ पे है कोसली के पास टूमना गाँव है, मैं उसका मामा बोल रहा हूँ। मामा के वहाँ में बह के कारण, यहाँ का बह के कारण हमें दाह संस्कार कोसली करना पड़ा। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब दाह संस्कार भी यहाँ नहीं किया? दाह संस्कार यहाँ नहीं किया कि बह के माहौल के कारण हमने यहाँ से डेड बॉडी को अपने वहाँ टूमना लेके गए, वहाँ लालन पालन वहीं उसका वहीं से हुआ था और वो अब 1.5 साल से यहाँ रहने लगे थे। बच्चे कितने? एक बेटा है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। तो बच्चे को सारा बता दिया गया? हाँ, बच्चे को सारा बता दिया गया है, वो मामा के वहाँ भेज रखे है। क्या बीत रही है अभी बच्चे की, क्या हालात है? हम देख नहीं पा रहे क्योंकि उस दिन रात को जब मैं यहाँ पर था तो उनके बेटे यहीं पर थे, यहीं पे थे, काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसको किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन वो जनता को देख के वैसे ही परेशान हो रहा था, तब रो रहा था कि मेरे पापा गोली लगी, अब कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उसको हमें नहीं बताया। उसको अगले रोज 4:30 बजे लगभग बताया गया कि तेरे पापा अब नहीं रहे। यहाँ थोड़ी सी दूर एक फैक्ट्री है, वहाँ कैमरा लगा हुआ था, तो कैमरे में पता चला कि कोई साफा बांध कर कोई लड़का आया और एकदम से वापस भागा? क्लियर नहीं आ रहा है, बंदा तो है जो आया और वापस रिवॉल्वर हाथ में लेके वहाँ से जाता हुए दिखाई दे रहे। तो कॉलोनी के किसी बंदे ने पहचानने की कोशिश नहीं की? नहीं, कॉलोनी उस समय कोई नहीं थे, एक लड़का जो किराए पर रहता है मोटरसाइकिल का काम करता है वो बैठा था और मेरा भांजा ऋतुराज बैठा हुआ था। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार हालात किसी भी परिवार के, अगर वहाँ से एक जवान मौत हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी सिचुएशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनके परिवार की अगर मैं बात करूँ? सिर्फ इकलौता था कमाने वाला और पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर था, उसके ऊपर डिपेंडेंट था। और अगर माँ की मैं बात करूँ तो नेत्रहीन है, देख नहीं सकती है, और फादर को कैंसर है, उनके फादर को कैंसर है और अभी उन्हें यहाँ पर लाया भी नहीं गया है, कोसली में इनके जो नाना मामा का परिवार होता है वहाँ पर उन्हें छोड़ा गया है। बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है, सोचिए जब उसके सिर के ऊपर से बाप का साया चला जाएगा तो क्या हालात होंगे। हम बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस पर कार्रवाई करे और जो भी आरोपी है
उसको सख्त से सख्त कड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। यही आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि पुलिस भी प्रशासन भी मजबूर हो जाए इस पूरे केस को सुलझाने के लिए। जल्द आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।